दोस्तों नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है एक एंथोलॉजी वेब सीरीज जिसका नाम है रे। टोटल 4 एपिसोड है और हर एक एपिसोड एक एक घंटे की है। एंथोलॉजी वेब सीरीज यानी कि आप कोई भी एपिसोड पहले देख सकते हैं, किसी भी एपिसोड की दूसरे एपिसोड से स्टोरी एंगेज नहीं होती है। 4 एपिसोड में आपको 4 स्टोरी देखने को मिलने वाली है। पहले एपिसोड में आपको दिखाई देने वाला है लीड रोल में अली फैजल, दूसरे एपिसोड में है के मेनन, तीसरे एपिसोड में है मनोज वाजपेयी और चौथे एपिसोड में है हर्षवर्धन कपूर। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर ओवरऑल बात करूँ तो चारों एपिसोड के जो सभी एक्टर्स हैं, फिर वो चाहे लीड एक्टर हो या फिर सपोर्टिंग एक्टर हो, एक्टिंग यहाँ पर सभी ने बहुत अच्छी की है। लेकिन स्पेशली जो मनोज वाजपेयी वाला एपिसोड है, वो एपिसोड मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पहले देखिएगा, क्योंकि वो एपिसोड एक बहुत ही मज़ेदार एपिसोड है। और जो हर्षवर्धन कपूर वाला एपिसोड है, चौथा एपिसोड, उसमें आपको कहीं ना कहीं हर्षवर्धन की एक्टिंग पसंद नहीं आएगी और वो एपिसोड थोड़ा सा वीक भी है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं क्या देखने लायक है और क्या देखने लायक नहीं है। एपिसोड 1 की दोस्तों कहानी अच्छी है, कहानी और स्टार्ट इसका अच्छा है, और लेकिन जो क्लाइमैक्स है वो ज़बरदस्त है। और स्पेशली क्लाइमैक्स में अली फैजल की जो एक्टिंग है वो मुझे ज़बरदस्त लगी। बहुत ही अच्छी एक्टिंग अली फैजल ने इसमें की हुई है। लेकिन कहीं कहीं पर एपिसोड पे, इस एपिसोड में कहानी है वो पटरी से नीचे उतर जाती है, लेकिन जैसे क्लाइमैक्स तक पहुंचती है फिर से अपने आप अपनी पटरी पर चढ़ जाती है। एपिसोड 2 की बात करें तो यहाँ पर लीड रोल में है के मेनन। केकेमन की एक्टिंग के बारे में तो किसी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है और हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। केकेमन की एक्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी जो स्टोरी है वो एंगेजिंग है। दूसरे एपिसोड की जो डायरेक्शन है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो दूसरा एपिसोड देखने लायक है और अच्छा है। और स्पेशली अगर आप केकेमन सर के फैन हैं तो फिर ये एपिसोड आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। अब आते हैं तीसरे एपिसोड पर। तो मनोज वाजपेयी वाला जो एपिसोड है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, बहुत ही अच्छा है। इसकी स्टोरी दोस्तों बहुत अच्छी है और स्टार्ट से एंड तक आपको ये एपिसोड बांध के रखने वाला है। और इस एपिसोड में दोस्तों आपको कॉमेडी का भी तड़का देखने को मिलने वाला है। और मनोज वाजपेयी और जो गजराज राव है, वो दोनों की केमिस्ट्री इस एपिसोड में बहुत ही अच्छी है। पूरा एपिसोड तो अच्छा है ही, लेकिन इसका जो क्लाइमैक्स है वो भी अच्छा है और ये क्लाइमैक्स देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब एपिसोड 4 की बात करें तो हर्षवर्धन कपूर की जो एक्टिंग है वो ठीक ठाक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वीक है, लेकिन हर्षवर्धन की एक्टिंग यहाँ पर ठीक ठाक है। बाकी जो स्टोरी है वो काफ़ी वीक है, इसका स्क्रीन प्ले काफ़ी वीक है। अब ओवरऑल सभी एपिसोड की बात करें तो एक्टिंग यहाँ पर सभी ने अच्छी की हुई है और कई एपिसोड में ज़बरदस्त एक्टिंग की हुई है, और स्टोरी भी सभी एपिसोड में अलग अलग है और देखने लायक है। ओवरऑल वेब सीरीज़ में आपको कॉमेडी देखने को मिलने वाली है, थ्रिल देखने को मिलने वाला है, इमोशन देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल बात करूँ तो इस वेब सीरीज़ को मैं देने वाला हूँ 3.5/5। आपने देख ली है तो मुझे बता दीजिए आपको कैसे लगी, और नहीं देखी है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि एपिसोड 2 और एपिसोड 3 आपको बहुत पसंद आएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको रिव्यू पसंद आया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।